हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेट 2023 के बारे में। तो आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है, इसमें हम गेट 2023 के बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं और इसमें हम सारी चीजों को समझेंगे कि गेट का पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों गेट का पेपर देना चाहिए। तो ये सारी बातों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, आज की जो हमारी वीडियो है वो पूरी की पूरी वीडियो हमारी होने वाली है गेट 2023 के बारे में और इसमें हम पूरा का पूरा कंप्लीट गाइडेंस देने वाले हैं कि आपको गेट का पेपर क्यों देना चाहिए, क्यों जरूरी है गेट का पेपर देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्लियर, एक एक करके अपन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, व्हाट इज गेट, गेट होता क्या है, गेट क्या कहलाता है, तो गेट के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपका एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है। क्लियर, जिसको क्या नाम दिया गया है, गेट नाम यहाँ पर दिया गया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं उसके लिए गेट का पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर, गेट एग्जाम जो आपका होता है ये कैसे कंडक्ट होता है, तो द गेट एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड। क्लियर, किसके बिहाफ में होता है, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड के बिहाफ में होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो गेट का पेपर आपका है, तो गेट का पेपर जो आपका होता है कि इंडिया की जो IITs हैं, क्लियर, इंडियन इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी IIT जो आपके कॉलेजेस है वो आपके गेट के पेपर को कंडक्ट कराते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे कि IIT मुंबई हुआ, IIT दिल्ली हुआ, IIT मद्रास हुआ, IISc बेंगलोर हुआ, IIT कानपुर हुआ, IIT रुड़की हुआ, IIT गुवाहाटी हुआ, IIT खड़गपुर हुआ। क्लियर, तो ये IITs आपकी हैं जो गेट के पेपर को क्या कराती हैं, कंडक्ट कराती हैं। क्लियर, तो एक चीज आपको याद रखना है कि भाई जो गेट का पेपर आपका बनेगा वो IITs के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर, हर साल एक IIT आपका पेपर एक कंडक्ट कराता है। क्लियर, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाई गेट, गेट आपको क्यों जरूरी है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे क्या है, गेट प्रिपरेशन हेल्प यू एप्रिसिएट एंजॉय एंड इम्प्रूव नॉलेज ऑफ योर BE कोर्स। क्लियर, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहां पे प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाता है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। क्लियर, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आप गेट का पेपर देते हो तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आप फिर से रिवाइज करोगे, डेप्थ नॉलेज आप लोगे उसका। क्लियर, तो आपका जो नॉलेज है वो यहाँ पे इंप्रूव होगा अगर आप गेट का पेपर देते हो या गेट के पेपर की प्रिपरेशन करते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंक्रीज चांसेस ऑफ प्लेसमेंट इन PSU एंड MNC। क्लियर, मतलब PSU जो आपका होता है, क्लियर, और MNC कंपनियां जो आपकी होती हैं, इसके अंदर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं प्लेसमेंट की अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो। बेटर क्वालिटी जॉब अश्योर्ड स्पेशली इफ यू प्रेफर टेक्निकल वर्क। क्लियर, अगर आप टेक्निकल वर्क को प्रेफर करना चाहते हो तो बेटर क्वालिटी जॉब आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप गेट के पेपर को क्वालिफाई करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, तो गेट का पेपर अगर मान लो कि 12th के बाद आपने BTech किया है, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो ये एक तरीके का एक सेकेंड चांस है कि आपको IITM का टैग मिल जाएगा। क्लियर, मतलब हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हायर एजुकेशन आप करना चाहते हो तो हायर एजुकेशन मतलब IIT कॉलेज से आप कर सकते हो, मास्टर्स अपनी कर सकते हो, मतलब एक सेकेंड चांस आपके लिए है IITM कहलाने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो MTech डिग्री इज मस्ट टू टीच इन इंजीनियरिंग कॉलेज। क्लियर, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाना है, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो MTech आपका कंपलसरी हो गया, मास्टर डिग्री आपकी कंपलसरी होगी। तो आप जो मास्टर डिग्री आपकी है ना, तो वो आप गेट के थ्रू अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, पैसा भी मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, इन शॉर्ट के अंदर बेटर करियर, आपको एक अच्छा करियर मिलेगा और हायर सैलरी पे आपको यहाँ पे जॉब ऑफर की जाएगी। क्लियर, तो ये आपका हो गया कि आपको गेट क्यों जरूरी है, क्यों देना चाहिए। रीजन की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं और रीजन की अपन बात कर लेते हैं कि आप गेट को क्यों चुने।
क्लियर। अगर गेट की बात मैं करूं, सबसे पहला आपका रीजन यही बनता है कि अगर आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन या गवर्नमेंट ओवन्ड कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, प्लेस्ड होना चाहते हैं, तो आपको गेट देना पड़ेगा। एमटेक डिग्री अगर आप करना चाहते हैं आईआईटी से या फिर एनआईटी से, तो आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन CSIR लेबोरेटरीज एंड CSIR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। क्लियर, मतलब CSIR के द्वारा जो लेबोरेटरीज चलाई जाती है, मतलब लेबोरेटरीज जो है स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट जो है, तो इसमें आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल सकती है अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, क्लियर, एक आप एक्सपीरियंस के लिए भी यहां पे गेट का पेपर दे सकते हो कि भाई गेट का पेपर कैसा होता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं कि आपको गेट यहां पे सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे सिलेबस की, और आज की वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अदर ब्रांचेस के लिए भी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो पहला जो आपका पार्ट यहाँ पे आता है वो जनरल एप्टीट्यूड आता है, और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे कि पहला टॉपिक आपका ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, वर्बल एप्टीट्यूड पढ़ना है, एनालिटिकल आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। क्लियर, जिसमें आपको ये पेपर फोल्डिंग, मिरर फोल्डिंग, क्लियर, मिरर इमेजेस, असेंबलिंग, ग्रुपिंग वगैरह जो टॉपिक्स आते हैं वो आपको पढ़ना है। ये जो सिलेबस की पीडीएफ है ना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे कि लीनियर एलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, क्लियर, ओडीई हो गया, पीडीई हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला आता है, जिसके अंदर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्लियर, ये आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टॉपिक आ गए। नेक्स्ट आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आता है, जिसके अंदर आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। क्लियर, ये सब टॉपिक्स हैं उसके। ठीक है, ये आपके दो हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, इरिगेशन आपको पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो आता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आता है, इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है, हाईवे पेमेंट पढ़ना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपको ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग होता है, इसमें आपका कुछ होता है जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जियोमेटिक्स, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होगे, सर ये नया सब्जेक्ट कौन सा आ गया, इंजीनियरिंग में तो मैंने पढ़ा नहीं। भाई इसी को आप सर्वेइंग बोलते हो। क्लियर, तो सर्वेइंग सब्जेक्ट आपका है ये, सर्वेइंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर, तो ये आपका बेसिकली पूरा का पूरा सिलेबस आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि ये सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जैसे फाइनल ईयर रनिंग में हैं और आपका कंप्लीट होने वाला है फाइनल ईयर, क्लियर, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, थर्ड ईयर स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हो ना, तो अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन छोड़ दूं, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन छोड़ दूं, तो जो आपका एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर कंडक्ट कराया जाता है ना, उसके सारे सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं। मतलब अगर आप गेट को सिलेक्ट करते हो तो उसके ऑटोमेटिकली आपके जो टेक्निकल वाला पार्ट है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको एमपीजी के पढ़ना पड़ेगा, आईसीटी पढ़ना पड़ेगा, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, और आपका ये जो टेक्निकल वाला पार्ट है उस एग्जाम का भी आपका कवर अप हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा गवर्नमेंट सर्विस में भी जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में क्वेश्चन आता है, सर परसेंटेज क्या होती है, परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। क्लियर, कोई सा भी नंबर या रेशियो को आप 100 के फ्रैक्शन में क्या कर देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो, वो आपका परसेंटेज कहलाता है। परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल आप कैसे निकालते हो, परसेंटाइल को समझना, परसेंटाइल आपका क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है परसेंटाइल का, n माइनस योर रैंक
डिवाइड बाय एन इंटू 100। इसका मतलब ये है कि एन का मतलब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ पीपल कितने अपियर्ड हुए हैं इस एग्जाम में। इंडिविजुअल स्ट्रीम की बात करूं, सिविल की बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 1,00,000 कैंडिडेट यहाँ पे, 1,00,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्या हुए, अपियर्ड हुए हैं, पेपर दिया है, और अपनी जो रैंक यहाँ पे आ रही है वो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 1200 मेरी रैंक यहाँ पे लगी हुई है, डिवाइड बाई आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाई आपको 1,00,000 कर देना है, क्लियर, डिवाइड बाई 1,00,000 कर देना है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 का, तो ये आपकी परसेंटाइल निकल के आएगी, क्लियर, क्या निकल के आएगी, परसेंटाइल निकल के आएगी, और 100 के फ्रैक्शन में आप लेके आओगे किसी नंबर या रेशियो को तो वो आपका परसेंटेज कहलाता है, क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है आपका परसेंटाइल और परसेंटेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे समझते हैं, नेक्स्ट अपना आता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि सर पेपर का पैटर्न क्या होता है। हम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है, वो भी अपन समझते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को बताया था सिलेबस में, वो तो सभी ब्रांचों के लिए रहता है, तो 15% मार्क्स का आपका ये जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं आपका 1 नंबर का और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं 2 नंबर के, क्लियर, किससे, जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से। अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूं, ये तो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हो गया, अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो जनरल मैथमेटिक्स आपका आता है और आपका कोर सब्जेक्ट आता है। जनरल मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 15% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के होते हैं और 70% मार्क्स जो होते हैं आपके कोर सब्जेक्ट के होते हैं, क्लियर, जिसमें 25 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो 1 मार्क के आते हैं और 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 2 मार्क्स के आते हैं, क्लियर। 32 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है चेंजेस मेड इन गेट 2016, मतलब 2016 से आपके पेपर में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, उन चेंजेस के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है चेंजेस, द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस इज मेड ऑनलाइन, पूरी की पूरी एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस जो होती है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन कर दी गई है। All required document have to be scanned and uploaded on the online application system. Candidate no longer have to send anything by post. मतलब पोस्ट के द्वारा आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना पड़ेगा। ये 2016 के बाद से आपका चेंजेस आया है, ऑनलाइन सिस्टम में पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस हो गई है। गेट स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर से 3 ईयर कर दी गई है, ठीक है। प्रिंटेड हार्ड कॉपी स्कोर कार्ड आर नो लॉन्गर सेंड टू कैंडिडेट, ओनली आर डिजिटल सॉफ्ट कॉपी स्कोर कार्ड कैन बी डाउनलोडेड बाय क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम द ऑफिशियल गेट वेबसाइट। मतलब पहले क्या होता था कि गेट का जो स्कोर कार्ड है वो आपके घर पे भेजा जाता था, बट 2016 से आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है वो सॉफ्ट कॉपी में गेट की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट आपका क्वालिफाइड हो रहा है उसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर। अब अगर मैं 2022 और गेट 2021 के स्टेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेटिक्स में आप देखोगे कि गेट 2022 के अंदर टोटल एप्लीकेंट कितने थे, क्लियर, ये टोटल एप्लीकेंट आप देख रहे हो 2022 के, टोटल कितने अपियर्ड हुए थे, ये आपके टोटल अपियर्ड कैंडिडेट थे, और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, ये आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट का डेटा है। सिमिलरली अगर मैं 2021 की बात करूं तो देखो आप 2021 में ये डेटा आपका ज्यादा था, फिर आपका थोड़ा सा कम हुआ, क्लियर। तो टोटल एप्लीकेंट कितने थे, क्लियर, अपियर्ड कितने हुए थे और कितने लोग क्वालिफाइड हुए थे। तो ये स्टेटिक्स की मैं बात बता रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक हायर सैलरीड जॉब आपको मिलती है, एक लग्जरी लाइफ जो बोलते हो ना, आपको चाहिए लग्जरी लाइफ, वो आप यहाँ से ले सकते हो। इंपोर्टेंट डेट्स एंड फॉर्म फी की, क्लियर, इंपोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन की फीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन की फीस आपकी क्या रहेगी, फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रेगुलर पीरियड 850 और अगर एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप फिल करोगे तो 1350 रुपए, अदर कैंडिडेट को 1700 और एक्सटेंडेड पीरियड में आपका 2200 रुपए लगेगा। एग्जामिनेशन की डेट जो रहने वाली है 4 फरवरी 2023, 5 फरवरी 2023, 11 फरवरी 2023 और 12 फरवरी 2023, इन 4 डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की यहाँ पे आपसे बात करूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट क्या है, तो ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त 2022, क्लियर, ये आपकी ओपनिंग डेट है। क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 30 सितंबर 2022, क्लियर। अगर एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं विथ लेट फीस तो 7 अक्टूबर 2022 है,
और इसका जो रिजल्ट है वो 16 मार्च 2023 को आपका अनाउंस हो जाएगा। क्लियर, कब अनाउंस हो जाएगा रिजल्ट? 16 मार्च 2023 को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं किया है वो फॉर्म को फिल कर दें। क्लियर, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 30 अगस्त 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 30 सितंबर तक आप भर सकते हो। अगर आप इस पीरियड में नहीं भर पाते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लेट फीस के साथ आप 7 अक्टूबर तक भर सकते हो। लेट फीस के साथ आपको देखो कितना सीधा सीधा वेरिएशन, रेगुलर पीरियड में आपकी फीस ये रहेगी, एक्सटेंडेड पीरियड में आपकी फीस ये रहने वाली है। क्लियर, अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, और अगर आप पास आउट हो गए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर, मैंने रीजंस बता दिए हैं आपको कि आपको यह एग्जाम क्यों देना चाहिए। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।